पूरे देश में लोकसभा का बिगुल बज गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की ठाणे लोकसभा की जो इकाई है उसके माध्यम से लोगों तक जाकर उनके सुझाव लेकर हम चुनाव घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया का आज प्रारंभ कर रहे हैं। आप जनता से क्या अपील करेंगे कि इस पोर्टल को ये अपील करते हैं कि कई छोटे बड़े प्रश्न ऐसे होते हैं वो लोगों के माध्यम से अगर हमारे पास आता है, क्राउड सोर्सिंग जिसको बोलते हैं, तो हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप अपना घोषणा पत्र बनाएंगे और चुनाव के मैदान में उतरेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां शुरू की है उसी के तहत महाराष्ट्र में हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक लोकसभा संयोजक, सहसंयोजक इत्यादि नियुक्तियां हुई है। इस ठाणे लोकसभा में जो 3 महानगर आते हैं उसके संदर्भ में संयोजक के नाते हम, सहसंयोजक के नाते हमारे पूर्व सांसद श्रीमान संजीव जी और बाकी पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेताओं ने यह तय किया कि हम अभी चुनाव चूंकि अहाते में खड़ा है लोगों के पास जाएंगे और एक पोर्टल लोगों को समर्पित जो आज हमने किया है उसके माध्यम से ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर इन 3 नगर निगमों से बना हुआ जो ठाणे लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए लोग क्या चाहते हैं घोषणा पत्र में समाहित हो उन बिंदुओं को हम संकलित करने का अभियान आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत हम अपनी भूमिका को भी रखेंगे। जैसे कि सब लोगों को पता है मुंबई का विकास जो हुआ है, मुंबई की जो शान शौकत है उसके पीछे कहीं ना कहीं नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर के लोगों के भी परिश्रम है और इसलिए इन सैटेलाइट सिटीज़ को जिनको उपग्रह शहर बताया जाता है इनका अपना व्यक्तित्व बना है, इनका अपना इतिहास है, इनकी अपनी संस्कृति है। इस दृष्टि से मुंबई के बहुत सारे सवालों के जवाब, मुंबई के प्रश्नों के उत्तर मुंबई की उत्तर दिशा में है जहाँ पर नवी मुंबई, ठाणे और मीरा भाईंदर है और हम मानते हैं कि इन दोनों के विकास का एक परस्परावलंबित्व है, इंटरडिपेंडेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजन का विचार होना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड की भूमिका है। इसके साथ साथ छोटे बड़े किसी कस्बे के, मोहल्ले के, किसी समाज के, किसी वर्ग के सारे प्रश्नों के बारे में समाधान की दृष्टि से जो भी सुझाव घोषणा पत्र के लिए जनता देना चाहती है हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से आज हमने पोर्टल का यहाँ पर प्रारंभ किया है। अभी जो पोर्टल हुआ उस पे आप सबसे पहले आप अपना मतलब क्या रखने हैं, ओपिनियन क्या रखते हैं? देखिए ओपिनियन के साथ हमने जनता से मांगा है, हमारा जो पार्टी का कहना है, पार्टी का मुखपत्र तो पार्टी के हिसाब से बनेगा लेकिन इसमें आज जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो डिमांड्स है उसको शामिल करना, तो आज का प्रश्न उसके ऊपर ही होना चाहिए, इसका उत्तर मिलेगा। सर जनता की कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपने बताया कि पोर्टल में वुमेन एम्पावरमेंट है, क्राइम है, बच्चों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके आप कैसे टैकल करेंगे इसके साथ? देखिए जनता से हमने मांगा है, अगर जनता भेजेगी तो उसके बारे में किस तरह से उसको लिया जाए, किस स्टेज पर लिया जाए, किस तरह से उसको प्रोसीड किया जाए, वो सारी चीज़ें पार्टी बैठ के तय करेगी और सारी चीज़ों को हम लेंगे उसमें। सर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ लेकिन जनता का ये भी सवाल उठ सकता है ना कि जैसे RTI है उसमें भी हमें अपनी चीज़ें मिल जाती है, अपनी जानकारी मिल जाती है लेकिन उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम तक आपको जानकारी देनी होती है, क्या इसमें ऐसा कुछ टाइम लिमिट है कि इतने समय के अंदर काम करना रहेगा? देखिए ये जो आपसे हमने मंगाया घोषणा पत्र बनने के पहले जितने भी सूचनाएं आएंगी सारी सूचनाओं का हम सहानुभूति उसको लेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इससे कितना बदलाव आएगा? देखिए जब हमारी जो सरकार बनने वाली है, जो भी हमारी सरकार काम कर रही है वो अंत्योदय के ऊपर काम करती है, अंत्योदय योजना पर, यानी जो शहर जो आखिरी व्यक्ति है उस तक की समस्याएं, जो चीज़ें उस तक पहुँचनी चाहिए और उसकी समस्याएं हमारे तक आनी चाहिए, तो उसी पर हम काम करें, उसी के अनुसार ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अंतिम व्यक्ति तक की सूचना हमने मंगाई है। यहाँ पर जनता से कोई खास अपील की इस पोर्टल को लेके उनको क्या करना चाहिए? देखिए जनता से अपील यही है कि जनता अपनी समस्याएं जो भी है वो हम तक पहुँचाए, कुछ समस्याएं होती जो शायद हमारे नज़र में नहीं आ सकती हैं तो उसको जनता भेजे, इसी मद्देनज़र ये हमने सूचनाएं मंगाने का पोर्टल जाहिर किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक बार ये भी बता दीजिए। देखिए पोर्टल के माध्यम से, पोर्टल का उन्होंने अभी आपके माध्यम से उन्होंने उसका जो वेबसाइट जो साइट है वो आपको दिया है, उस पर सूचनाएं कर सकते हैं और आने वाले कल में उसको फिजिकल तौर पर भी हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे कार्यालय में किस तरह से उसकी सूचनाओं मंगाने का कार्यक्रम होगा वो भी आपको आगे बताया जाएगा। मेरा नाम सुनील केसरी है, मैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर। मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से हम आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आज जो
हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे जी 25 लोकसभा के जो प्रभारी हैं उनके मार्गदर्शन में जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा जी ने एक वेब पोर्टल का लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हमने शहर की हमारे थाने लोकसभा की जनता का सारा उनका विचार मांगा है कि आप हमारे घोषणा पत्र में आप क्या उसमें हम ऐड कर सकते हैं और क्या आपको चाहिए आप हमें बताइए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक जिले में भारतवर्ष के हर एक जिले हर एक लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की घोषणा पत्र बनाने से पहले जनता के रायों को उसमें शुमार करना चाहते हैं, ताकि अंततः जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। उनकी समस्याओं को लेकर के हम हमारी भाजपा की घोषणा पत्र में उनके मुद्दों को रखेंगे और हम ये समाधान करने की कोशिश करेंगे। उसी के मद्देनजर में आज ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। बेशक सर जनता ही जनार्दन है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जनता का कितना सुना जाता है। देखिए अभी तक मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो केंद्र सरकार की 740 योजनाएँ जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल तेजी के साथ चल रही हैं, उस योजनाओं का लाभ अभी आप देख रही होंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे मीरा भाईंदर में 32 जगह पे चल रहा है और इस यात्रा के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। तो ये सारी योजनाएँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मिल रहा है और जनता को इसका प्रतिसाद भी मिल रहा है।